नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक साशा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इतिहासकार। आज हम बात करने वाले हैं औरंगजेब के बारे में, जो शाहजहां का बेटा था और जो कि छठा मुगल शासक था। आज हम जानेंगे कि किस तरह का औरंगजेब का जीवन रहा और मुगल सल्तनत पर कब्जा करने के लिए किस हद तक गिरा औरंगजेब। औरंगजेब का पूरा नाम मोहीउद्दीन मोहम्मद था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद में हुआ था, जो कि आज के गुजरात में पड़ता है। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था और मां का नाम मुमताज महल था। औरंगजेब की शुरुआती तालीम आगरा में अरबी और पारसी भाषा में हुई। इसके अलावा औरंगजेब ने धार्मिक और इतिहास का भी अध्ययन किया। सन 1635 में औरंगजेब को बुंदेलखंड में बल प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया, ओरछा के विद्रोही शासक जुझार सिंह को मारने के लिए, क्योंकि जुझार सिंह ने शाहजहां के शासन की अवहेलना की तथा इसके राज्य पर आक्रमण किया था। तब औरंगजेब ने ओरछा पर आक्रमण करके जुझार सिंह को हरा दिया और सत्ता से हटा दिया। 1636 में औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया और शाहजहां के आदेश अनुसार 1636 में औरंगजेब ने अहमदनगर में आक्रमण करके वहां के शासक निजाम शाही वंश के शासक मुर्तजा शाह तृतीय को हरा दिया और निजाम शाही वंश का अंत कर दिया। 1637 में औरंगजेब ने अपनी पहली शादी सफाविद की राजकुमारी दिलराज बानु बेगम से की, जो बाद में राबिया उद्दीन दौरानी के नाम से जानी गई। सन 1644 में औरंगजेब की बहन जहां आरा के साथ दुर्घटना घटी। महल में रखे इत्र के केमिकल में आग लग गई, जिसमें वो बुरी तरह से जल गई थी। इस घटना ने पारिवारिक संकट को जन्म दिया। औरंगजेब को तुरंत महल में ना आने की वजह से दक्कन के वायसराय के पद से शाहजहां द्वारा हटा दिया गया। औरंगजेब को अब मुगल सम्राट की सेना पर आदेश देने या उसको इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। 1645 में औरंगजेब ने साथी मुगल सेनापतियों के सामने अपनी गलती मानी। तब शाहजहां द्वारा औरंगजेब को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। 1647 में शाहजहां ने औरंगजेब को गुजरात से हटाकर बलख का गवर्नर बना दिया और गुजरात का गवर्नर औरंगजेब के छोटे भाई मुराद बख्श को बना दिया, जो बहुत बुरा और अप्रभावित शासक साबित हुआ। शाहजहां के शासनकाल में उनके चारों बेटों ने शासन किया, लेकिन शाहजहां का सबसे प्यारा और बड़ा बेटा दारा शिकोह था, जिस वजह से तीनों छोटे बेटे शाहजहां से आक्रोशित थे। शाहजहां ने यह साफ कर दिया था कि दारा शिकोह ही राजपाट देखेगा, लेकिन 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया और खुद को दारा शिकोह की निगरानी में नजरबंद कर लिया। बाद में शाहजहां की मौत की अफवाहें उड़ने लगी तो सबसे छोटे बेटे शाह शुजा, जो बंगाल का 1637 से राज्यपाल था, उसने खुद को राजमहल में राजा का ताज पहनाया और अपना लाव लश्कर लेकर आगरा पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। वाराणसी के पास शाह शुजा को दारा शिकोह की सेना, जिसको दारा शिकोह का बेटा नेतृत्व कर रहा था, उसका सामना करना पड़ा, जो कि दिल्ली से भेजी गई थी। शाहजहां की मृत्यु की अफवाह के बाद उसके तीनों बेटों ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया था। शाहजहां के ठीक होने के बाद शाहजहां ने शाह शुजा और मुराद को पराजित करने के लिए अपनी सेना भेजी, क्योंकि शाहजहां के तीनों बेटों ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया था। तब 1658 में शाह शुजा को तो पराजित कर दिया गया, किंतु मुराद और औरंगजेब ने अपनी सेनाओं को मिला लिया था और आपस में संधि कर ली थी। शाहजहां की सेना ने मुराद और औरंगजेब की सेना के आगे घुटने टेक दिए। फिर मुराद और औरंगजेब दोनों भाइयों की सेना आपस में भिड़ गई
और फिर औरंगजेब की सेना जीत गई। तो दोस्तों, औरंगजेब के बारे में अगले पार्ट में मैं आपको और जानकारी दूंगा। तब तक देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इतिहासकार।